नरसिंहपुर के गोटेगांव ब्लॉक अंतर्गत आने वाले झोत पंचायत के कुछ ग्रामीणों को आवास योजना का लाभ न मिलने से काफी परेशान है। गांव के ही एक युवक ने बहकावे में आकर वो सोशल मीडिया पर सरपंच सचिव पर आरोप लगा रहे। उन्हें पीएम आवास योजना लाभ नहीं मिला और जब मीडिया इस वायरल वीडियो की पड़ताल करना झोत ग्राम पंचायत पहुंची तो सरपंच सचिव द्वारा बताया कि जो भी हितग्राही पात्रता की श्रेणी में आ रहा उसे नियमित तरीके से आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा भी पहली सूची में जो 74 नाम आए हुए थे वो भी कम्प्लीट है। उन 74 में से लगभग 2 अधूरे हैं तो वो भी जल्द से जल्द पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया में चालू हैं। ग्राम पंचायत झोंत में 2011 की जो शेष डाटा सूची है उसके अनुसार सही पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा चुका है। शेष टू रूम के जो हैं तो अभी शासन स्तर से उनकी स्वीकृति नहीं हुई है। जब उनकी स्वीकृति होगी तो टू रूम वालों को उसका लाभ दिया जाएगा। रहा सवाल जो भाई आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है क्योंकि नियमानुसार वो इस श्रेणी में अभी पात्र नहीं। अच्छा, अभी तक अभी सेकंड 16-17 की सूची बनी थी, इसमें कितने लोगों के मकान बना दिए गए? 16-17 की तो अभी कोई अनुपूरक सूची से कोई अभी लाभान्वित हुए नहीं है। वो तो सूची केवल जो है वो 2011 की ही अलाउ है। अच्छा, उसी के तहत अभी बनाया जा रहा है। जो बीपीएल कार्ड का बोल रहे हैं लोग, कार्ड नहीं बनाए गए हैं ये समस्या बता रहे हैं? नहीं, कार्ड बीपीएल के जारी किए गए हैं, 63 कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन हम लोग उसको हमने SSSMID पर उसको लोड करा दिया, फीड करा दिया है, लेकिन वो खाद्य विभाग का पोर्टल नहीं खुलने के कारण खाद्यान्न पर्ची जारी नहीं हो पा रही। शिकायतकर्ता जो होंगे देखना पड़ेगा, उनकी पात्रता सूची में नाम यदि है तो कहाँ पर है, वरीयता के हिसाब से किस नंबर पर। अभी तक हमारे झोत में कुल 165 लोगों का नाम, 165 में अभी तक हम लोगों ने 77 आवास कम्प्लीट कर लिए, और यदि 88 में उनका नाम है और यदि 2 रूम है, क्या शुरू में अपन ने कवर किया सिंगल रूम कच्चा भी बनाते चले जा रहे हैं। इसके बाद जब सैचुरेटेड स्थिति में हो जाएगी तब हम डबल रूम कच्चा वालों का आवास बनाएंगे। इनका नाम डबल रूम कच्चा में है, वो इंतज़ार करें और जैसे ही लक्ष्य आता है तो उनका भी हो जाएगा। गोटेगांव से ब्यूरो रिपोर्ट।